नमस्कार दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच आज 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला दोस्तों बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका। और दोस्तों टॉस के बाद इस मुकाबले में एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी और इस मुकाबले को रद्द कर दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच ये मुकाबला बारिश रुक जाने के बावजूद भी क्यों शुरू नहीं हो पाया, और साथ ही दोस्तों अब भारत और श्रीलंका के बीच ये T20 मुकाबला कब खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच ये मुकाबला टॉस के बाद हुई बारिश के कारण रुक गया था, लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर यहाँ पर मुकाबला शुरू होना चाहिए था क्योंकि बारिश बिल्कुल रुक गई थी और ज़्यादा बारिश हुई भी नहीं थी, लेकिन दोस्तों ग्राउंड स्टाफ के गलती के कारण ये मुकाबला शुरू नहीं हो सका। क्योंकि दोस्तों ग्राउंड स्टाफ ने जब कंवर बिछाए थे तब वहाँ पर पिच के पास पर कहीं से यहाँ पानी अंदर घुस गया था और इसे बाद में सुखाया नहीं जा सका, और दोस्तों जिसके चलते इस मुकाबले को रद्द किया गया था। अगर दोस्तों ग्राउंड स्टाफ सही से काम करता तो ये पिच पर पानी नहीं गिरता और ये मुकाबला बड़ी आसानी से खेला जाता, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सभी दर्शकों के लिए ये बुरी खबर थी। लेकिन दोस्तों अच्छी खबर यह है कि भारत और श्रीलंका के बीच अब अगला मुकाबला जो कि दोस्तों 7 जनवरी को खेला जाएगा वो होगा दोस्तों इंदौर में, और दोस्तों उस मुकाबले के लिए सभी तैयार हैं क्योंकि वो मुकाबला हमें पूरा देखने को मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों इंदौर में इस समय बारिश नहीं होने वाली और दोस्तों हमें श्रीलंका और भारत के बीच ये T20 मुकाबला ज़रूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपका इस मैच के बारे में और ग्राउंड स्टाफ के बारे में क्या राय है, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का।